हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम अनबॉक्सिंग वर्ल्ड में। दोस्तों थंबनेल से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो एक दोस्तों टावर स्पीकर है जो कि दोस्तों मेड इन इंडिया ट्रोनिका का है। ये आप सामने देख सकते हो, ये बॉक्स है। तो ये मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। मैं इसके क्या फीचर्स है, क्या कुछ है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं इनकी अनबॉक्सिंग आज करूँगा और इसके साउंड क्वालिटी क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, साथ ही बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट आज की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो डीजे टावर स्पीकर, मल्टीमीडिया डीजे टावर स्पीकर है। चलिए अब मैं इसे कार्टून को डबल डबल कार्टून में ये पैक होकर आई थी दोस्तों, देख सकते हो ऊपर एक कार्टून और एक अंदर ये डीजे टावर स्पीकर कार्टून। तो चलिए अब मैं इस डीजे टावर स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं इस कार्टून से, फिर आपको क्या कुछ है वो दिखाते हैं। आप बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने उस कार्टून से इसे बाहर निकाल लिया है और यहाँ देख सकते हो तो लिखी गई है साफ साफ डीजे टावर स्पीकर, जो कि यहाँ सारी चीज़ें दी गई है, एसडी कार्ड, यूएसबी, इसमें एफएम रेडियो, जो कि मल्टीमीडिया डीजे टावर स्पीकर जो कि रिदम का है, मेड इन इंडिया है ये पूरी तरह से दोस्तों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो चलिए ये इसकी पैकिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी की गई है। तो चलिए अब मैं इसे फटाफट से इस कार्टून को काटते हैं और अंदर क्या क्या है वो निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, मैं स्पीकर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो भीतर की पैकिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं की गई है, ये देख सकते हो ये दी गई है ताकि दोस्तों अगर साइड से भी अगर ठोकर वगैरह लगे गलती से तो दोस्तों स्पीकर को कुछ ना हो। देख सकते हो इसकी पैकिंग, पैकिंग में दोस्तों कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की गई है, काफ़ी अच्छी तरह से इसकी पैकिंग की गई है। चलिए अब मैं इसे हटाकर दोस्तों स्पीकर को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दोस्तों दिखाता हूँ। तो चलिए अब बने रहिए वीडियो पर दोस्तों। तो देख सकते हो अंदर में स्पीकर ये है स्पीकर, और बाकी इसकी पैकिंग काफ़ी शानदार है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या हम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो ये है दोस्तों यूजर मैनुअल दी गई है टोनिका का, देख सकते हो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है दोस्तों टोनिका टावर स्पीकर है ये यूजर मैनुअल। चलिए और देख लेते हैं स्पीकर में क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये है रिमोट, इसके साथ ये रिमोट दी गई है, ये है इनका टोनिका का रिमोट, देख सकते हो यह रिमोट भी इसके साथ दी गई है। चलिए और देख लेते दोस्तों रिमोट के साथ साथ और इसमें क्या दी गई है। फिलहाल इसको मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं क्या दी गई है। और ये शायद है ये केबल दी गई है दोस्तों, ये केबल शायद इससे हम AUX केबल है ये, शायद इसे लगाकर हम अलग से कनेक्ट करके बजा भी सकते हैं दोस्तों। तो ये AUX केबल दी गई है। बाकी आप स्पीकर की पैकिंग भी देख सकते हो, भीतर तक पूरी तरह से दोस्तों पैकिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया ताकि ठोकर वगैरह लगने से स्पीकर को नुकसान ना हो दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों पैकिंग भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए दोस्तों अब मैं फटाफट इस स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको बाहर से भी दिखाते हैं। आप बने रहिए वीडियो पर। तो देख सकते हो दोस्तों टोनिका का टावर स्पीकर बाहर आ चुकी है, ये देख सकते हो ये रहा हमारा टोनिका का टावर स्पीकर। और इसकी बनावट देख सकते हैं दोस्तों, ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों, और इसका वज़न भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। चलिए हम चारों साइड से इसे देख लेते हैं। इसके पैकिंग से दोस्तों ये पूरी तरह से कवर करके रखी गई है, और बाकी इसकी दोस्तों नीचे भी दी गई थी दोस्तों ताकि नीचे से भी अगर ठोकर लगे तो दोस्तों कुछ ना हो स्पीकर को। तो बाकी पैकिंग का भी तो अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है इसमें दोस्तों, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई थी पैकिंग में, बाकी पैकिंग अच्छी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टावर स्पीकर, और इसे भी दोस्तों अच्छी तरह से कवर करके रखी गई है ताकि दोस्तों ये आपको अलग से इसे पैक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये सामने देख सकते हो ये एयर के लिए दी गई है, बाकी दो स्पीकर है, और बाकी ये इधर देख सकते हो इसकी बनावट ये एयर के लिए दी गई है। यहाँ से मैंने इसे थोड़ी सी काट दी है ताकि इधर से एयर बाहर निकल सके। बाकी स्पीकर की बनावट भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी लग रही है सिल्वर कलर में और ब्लैक एंड वाइट में। बाकी यहाँ देख सकते हो यूएसबी केबल है, बाकी यहाँ से आप एसडी कार्ड से भी बजा सकते हो। AUX यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ स्कैन है, और दोस्तों यहाँ से पावर मोड है, आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो। तो ये इस तरह से यहाँ डिस्प्ले दी हुई है, अभी मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों काफ़ी पैकिंग अच्छी है, बाकी इनकी वज़न भी है, बाकी दोस्तों इसे दोस्तों इसकी बनावट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की गई है, बाकी पूरी तरह से दोस्तों ये परफेक्ट। और यहाँ पर ये वॉल्यूम दी गई है, या वॉल्यूम इसे कम बेसी कर सकते हैं। ये बेस भी दी गई है, बाकी ये साइड में दी गई है वॉल्यूम बेस, तो इसे हम साउंड यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी रिमोट से भी कर सकते हैं। तो
अभी मैं दोस्तों चलिए अब मैं इस स्पीकर को आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ, बजा के भी दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों मुझे तो ये स्पीकर काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ऐसे ऑर्डर किया। बाकी पीछे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये पीछे आप देख सकते हो ये शायद ये वायर दी गई है, अगर हम रेडियो यूज करते हैं तो उनके लिए वायर दी गई थी। बाकी इधर माइक का दिया गया है, AUX केबल बजाकर मैं कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे दोस्तों ये ऑन ऑफ का पावर ऑफ ऑन ऑफ का बटन दी गई है, यहाँ से हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे आपको बजाकर भी दिखाते हैं। बाकी इसकी जो वायर है ये थोड़ी लंबी दी गई है, ये एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों बनावट काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है सिल्वर और ब्लैक ये भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब इस स्पीकर को आपने देख लिया आगे से, और दोस्तों मैंने आपको आगे पीछे दोनों तरफ से दिखा दिया। बाकी इसकी पैकिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। बाकी चलिए अब देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीकर देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए अब मैं इसे आपको बजा कर भी दिखाता हूँ। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, अब मैं इसे फटाक से कनेक्ट करता हूँ फिर आपको बजा कर भी दिखाता हूँ। तब वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, ये देख सकते हो सामने ये डिस्प्ले शो हो रही है। बाकी मैंने कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये साउंड तो दोस्तों इसको वाकई में दोस्तों माइंड ब्लोइंग साउंड है दोस्तों। अब बेस भी इसका दोस्तों काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये 90 वाट का दोस्तों इसमें बेस दिखे। बाकी एयर यहाँ से दोस्तों देख सकते हो साउंड काफ़ी मस्त है, आपको इस तरह मोबाइल में नहीं सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक। पर दोस्तों बेस इसका काफ़ी अच्छा है, बाकी साउंड सिस्टम भी काफ़ी मस्त है दोस्तों। तो दोस्तों बजट के हिसाब से जैसा मैंने कहा दोस्तों इसे मैंने 3799 रुपये मैंने इसे परचेज़ किया, देखिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों साउंड में कोई मतलब साउंड भी इसका काफ़ी अच्छा, बाकी इसकी क्वालिटी जो बनावट है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप एक होम थिएटर लेने की दोस्तों अगर सोच रहे हो तो दोस्तों ये ट्रोनिका मेड इन इंडिया बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि होम थिएटर में वो वायर वगैरह रहती है तो उसे दोस्तों इधर उधर यहाँ वहाँ रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पर ये टावर स्पीकर होती है दोस्तों, ये एक जगह पे रख दो आराम से दोस्तों, आप इसे रेडियो या USB केबल या फिर किसी भी तरह से आप इसे कनेक्ट करके लैपटॉप मोबाइल TV किसी चीज़ में भी दोस्तों आप इसे कनेक्ट करके दोस्तों आसानी से इसे यूज कर सकते हो। और इसकी साउंड क्वालिटी दोस्तों मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है, मैं इसे लेकर काफ़ी खुश हूँ दोस्तों। तो आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, मैंने इसका लिंक दोस्तों मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया था, मैंने इसका लिंक दोस्तों नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर दोस्तों वहाँ से इसे बाय कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसकी साउंड दोस्तों काफ़ी मस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ सुन रहा हूँ तो दोस्तों साउंड काफ़ी अच्छी है। और आपको मोबाइल में सब ठीक से नहीं समझ में आ रही हो साउंड, लेकिन दोस्तों साउंड में ज़बरदस्त साउंड है, आप इसे आउटडोर भी कहीं भी यूज कर सकते हो। बाकी घर के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों पावर स्पीकर है। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग, ये आपको वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसी दोस्तों हर प्रकार की अनबॉक्सिंग की वीडियो दोस्तों मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।